नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसी म्यूज़िक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जुड़ चुके हैं टेस्ट संख्या 43 के लिए, और बिहार यानी कि बीपीएससी का जितना भी जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। और साथ ही साथ जो यूजीसी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूजीसी नेट और DSSB या जो आपके हैं UPTGT या EMRS, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी अति महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तरी होगी। तो दोस्तों, सभी जो हैं क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें क्लास को, जिससे कि सभी संगीत प्रेमी इस क्लास के साथ में जुड़ जाएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। ऐसी ही हर टाइम आप सभी के लिए कामना मेरी ओर से रहती है, तो डेफिनेटली आप स्वस्थ ही हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, मनीषा जी, प्रज्ञा जी, अंजलि जी, मौसमी जी, कल्पेश जी, सोनू निगम जी, अर्चना जी एंड सुनीता किशोर जी, पल्लवी जी, लता जी एंड वंशराज जी, साथ ही साथ जो हैं हमारे साथ में और कैंडिडेट भी जुड़ रहे हैं, और केशव जी, गंधर्व म्यूज़िक पवन जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ठंड बढ़ चुकी है और लक्ष्य जो है हम सभी का एक ही है, मंजिल एक ही है, उस मंजिल को जो है पाना आप सभी का टारगेट है। तो देखिए, ठंड भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, लेकिन हमें अपने टारगेट से जो है दूर नहीं होना। मैं एक बार जितने भी जो हमारे चैनल के साथ जो जुड़ गए हैं, आपके अपने चैनल के साथ, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जिसने अभी तक जो है एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, तो देखिए ऊपर की तरफ जो पिन किया हुआ है आपके, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे टेस्ट जो सभी तरह के पाए जाते हैं, वो टेस्ट आप वहाँ से ले सकते हैं और टेस्ट परचेज भी कर सकते हैं। हमारे सारे कोर्सेज भी वहाँ अवेलेबल हैं, जिसको जो नीड है वो वहाँ से परचेज कर सकता है। पूनम जी, आपका भी स्वागत है। स्वास्थ्य थोड़ा साथ कम दे रहा है, इसलिए विलंब नहीं करेंगे ज़्यादा, और पहले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। पहला प्रश्न आगाज हो रहा है। दोस्तों देखिए, बैटिंग पे जब आ जाओ तो धुआंधार तरीके से करो, कि परिणाम क्या होगा उसका जो है हमको नहीं सोचना है। वैदिक काल में स्वरों के लिए क्या संज्ञा मिलती है, स्वरित, उदात, यम या अतिस्वारी? प्रश्न है आपके सामने कि वैदिक काल में स्वरों के लिए क्या संज्ञा मिलती है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार का है कि स्वरित, उदात, यम या अतिस्वारी। तो इसमें जो है क्या आंसर आप लोग देंगे, का स्वरों के लिए जो संज्ञा मिलती है वो आपके यम मिलती है। क्या मिलती है? यम इज द करेक्ट आंसर। और अतिस्वारी का संबंध जो है किस आधुनिक स्वर से है, अतिस्वारी का संबंध आधुनिक स्वर से है, कमेंट बॉक्स में छाप कर आप बताएंगे। चोलू केटू का संबंध जो है किससे है आपके, तराना से, चतुरंग से, तिरवट से, ठुमरी से? चोलू केटू जो है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ में जाना जाएगा, तरंग, तिरवट या ठुमरी? बताइए दोस्तों। अभी जो इससे पहले की क्लास हुई थी वो गंधर्व महाविद्यालय के बच्चों के लिए हुई थी, बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक आया, बहुत अच्छा पेपर हुआ था बच्चों का, और देखिए दुआएं मिलनी चाहिए। चोलू केटू का संबंध जो है पूछा, तराना, चतुरंग, तिरवट और ठुमरी, तो इसका संबंध जो है किससे जाना जाएगा, तिरवट से जो है इसका संबंध जाना जाता है। चोलू केटू का संबंध जो है तिरवट से, राधे राधे। और तराना तो आपके होता तिल्लाना, क्या होता तिल्लाना जो है तराना होता है। चतुरंग का जो है आपके ध्रुव, ध्रुव जो करके आपके शब्द होता है, और ठुमरी जो है जावली आपका शब्द होता है, ठीक है? तो ऑप्शन संख्या जो है 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 3, राग विज्ञान की रचना किस विद्वान ने आपकी की थी, भातखंडे जी, पलुष्कर जी, विनायक राव पटवर्धन जी, ओमकारनाथ ठाकुर जी? किसने की है? धरु। हाँ, एग्जैक्टली मैंने ध्रुव बोला है, धरु शब्द है वो चतुरंग के लिए, धरु। ओके, धरु या आरु भी हो सकता है वहां पे। इस प्रश्न के लिए आपके पंडित विनायक राव जी, पलुष्कर जी, विनायक और जो है भातखंडे जी या ओमकारनाथ ठाकुर जी में? तो देखिए, विनायक राव पटवर्धन जी जो है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होंगे। क्यों होंगे विनायक राव पटवर्धन जी? क्योंकि राग विज्ञान जो पुस्तक है वो इनकी लिखी हुई है, और दोस्तों इस ग्रंथ को जो है 8 भाग प्रकाशित हुए हैं। कितने भाग? इस जो है पुस्तक के जो है 8 भाग प्रकाशित हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। पूछ ले कभी कभी कि आपके कितने भाग इसके प्रकाशित हुए, तो 8 भाग जो है इसके प्रकाशित हुए हैं। में जो है शास्त्रीय रागों से संबंधित आलाप, तान, लक्षण, गीत, तराना, इन सभी का जो है विवरण जो है इसके अंतर्गत हमको मिलता है, ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न से,
तो उससे पहले जो हैं विनायक राव पटवर्धन जो है किस घराने से संबंधित हैं, तो किस घराने से हैं, ग्वालियर घराने से आपके संबंधित है, ठीक है, ग्वालियर घराने से। अब कह दें कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम है पंडित पलुष्कर, पंडित पलुष्कर जो है इनके गुरु का नाम है, और ओमकारनाथ ठाकुर जी तो हैं वो भी आपके जो है पलुष्कर जी के शिष्य हैं। अब ऐसा प्रश्न आपको दे दे कि भिन्न को चुनें, तो अब आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि भिन्न इसमें से क्या हो सकता है। तो भिन्न देखिए, पलुष्कर जी, विनायक राव जी, और ये सब के सब कौन से घराने से हैं, ये ग्वालियर घराने से हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट कौन हो गया, पंडित भातखंडे जी डिफरेंट हो जाएंगे, तो इस भिन्न चुनने के लिए भातखंडे इसका सही आंसर हो सकता है, और प्रश्न का उत्तर है विनायक राव पटवर्धन। प्रश्न संख्या है 4, सूत्र साहित्य में वीणा वादक के नायक को क्या कहते थे, आपके नायक, नावलक, गणगिन या अपघटिला, क्या कहते थे आपके, यानी कि सूत्र साहित्य में वीणा वादक के नायक को क्या कहा जाता था। दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिए, और अपने मित्रों को जल्दी से जल्दी क्लास के साथ में जो पता चल जाए कि भाई सब क्लास हो चुकी है, ठीक है ना, शुरू हो चुकी है। तो इसमें जी है नायक नहीं कहते हैं, नावलक नहीं कहते हैं, अपघटिला नहीं कहते हैं, गणगिन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गणगिन जो है आपके कहा जाता है, नावलक उसको कहते हैं कि तुणव मुख जो है आपके मुख से फूंक कर बजाए जाने एक वाली वंशी है उसको जो है आपके कहते हैं, और अपघटिला यानी कि आपके कांड बिना नखी पिछोला मुख से जिनको बजे, तो उन वाद्यों को जो है इन वाद्यों की जोड़ी को जो है अपघटिला आपके कहते हैं। तो गणगिन जो है इसमें सूत्र साहित्य के अंतर्गत वीणा वादक के नायक को जो है आपके कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चले हैं, भक्ति के कितने प्रकार आपके बताएंगे, 2, 4, 5 या 9, भक्ति के कितने प्रकार आपके बताए गए हैं, ग्रंथों के अंतर्गत भक्ति के कितने प्रकार बताए हैं। सभी प्रश्नों का आंसर देते हुए प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे आ गए हैं, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कमेंट्स इस प्रकार के आजकल बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं आपके चैनल पे आ रहे हैं, जो हैं मतलब जो ये इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं वो हमारे नंबर पे डायरेक्ट हमसे एक बार संपर्क कर लीजिए, या आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर हमको दे दीजिए, आपका माला पहना के स्वागत हम करवाना चाहेंगे, ठीक है। तो भक्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो भक्ति के 2 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, 9 नहीं होंगे, 5 प्रकार जो है भक्ति के होते हैं। ऑप्शन संख्या जो है 2 दिया जिन्होंने उनका गलत है, ऑप्शन संख्या 1 जिन्होंने दिया गलत है, और अर्चना जी आपका भी गलत है। देखिए कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं, शांत होता है, शांत होता है आपको, दास्य आपका होता है दास्य, और आपका जो है संख्य जो है संख्य होता है, और वात्सल्य, वात्सल्य आपका भक्ति का प्रकार है, और मधुर, ये जो है आपके 5 भक्ति के प्रकार होते हैं। ऑप्शन संख्या 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे जो है 6, सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है, मुंबई में, अहमदाबाद में, कानपुर में या चित्रकूट में, कहाँ होता है सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन जो है वो कहाँ पे होता है, मुंबई में होता है, अहमदाबाद में होता है, कानपुर में होता है या चित्रकूट में होता है, कहाँ होता है। तो देखिए ये फेस्टिवल जो है राजेश तिवारी जी, देखिए गड़बड़ मत करिए यहाँ, जी चाहे जितना गड़बड़ करें पूजा जी कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड थैंक यू में आपका जवाब आ रहा है, अंजलि जी वेरी गुड थैंक यू में जवाब आ रहा है। तो देखिए अहमदाबाद में जो है आपके सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल होता है, कहाँ पे होता है, अहमदाबाद के अंतर्गत जो है आपके म्यूजिक फेस्टिवल होता है। मुंबई के अंतर्गत क्या होता है, मुंबई में आपके क्या होता है भैया, मुंबई नहीं होता ये, है ना, मुंबई में कल के कलाकार कहाँ होता है, कल के कलाकार कार्यक्रम कहाँ आयोजित होता है बताइए, ठीक है। और कानपुर जो है बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव महोत्सव ये होता है, और आपके चित्र करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं, राजगीत रत्नाकर की उपाधि कहाँ से प्राप्त, नरेश से, आपके जो हैं राजा भैया को संगीत रत्नाकर की उपाधि जो मिली थी वो कहाँ से, रीवा नरेश से, ग्वालियर नरेश से, बड़ौदा नरेश से या जयपुर नरेश से, कहाँ से प्राप्त होती है आपकी, रीवा, ग्वालियर, बड़ौदा या जयपुर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपके प्रश्न संख्या है 7, और 7 का बड़ा अच्छा जवाब जो है आप सभी के द्वारा जो है आना स्वाभाविक है, और प्रश्न पूछा है कि राजा भैया को जो है आपके, राजा भैया को आपके संगीत रत्नाकर की उपाधि जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है,
राजा भैया को कहाँ से जो है आपके ये उपाधि प्राप्त हो गई है? देखिए कितना अच्छा अच्छा जवाब आ रहा है। अरे भाई जयपुर, बड़ौदा, रीवा, ये कहाँ से हुई है? इनको हुई है आपके ग्वालियर नरेश से। कहाँ से हुई है? ग्वालियर नरेश से जो आपको इनको ये उपाधि प्राप्त हुई है ग्वालियर महाराजा के द्वारा, ठीक है। और 12 अगस्त 1882 में इनका जो है जन्म होता है। और 1956 में क्या होता है, 1956 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है, 1956 के अंतर्गत। तो और 1956 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। तानमाली का जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो तानमाली का पुस्तक 1, 2, 3 जो इन भाग हैं वो आप ही इसके रचनाकार हैं, ठीक है, आप ही इसके रचनाकार हैं। तो ऑप्शन संख्या 2 जो है इस प्रश्न, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न के लिए। ध्वनि के कितने प्रकार का वर्णन मिलता है? 6, 7, 23 या 49? ध्वनि के कितने प्रकारों का वर्णन मिलता है? ध्वनि के कितने प्रकारों का वर्णन मिलता है? तेतरीय प्रतिसांख्यों के अंतर्गत इनका वर्णन मिलता है आपके, छठा, 6 में मिलता है, 7 मिलता है, 23 मिलता है या 49 मिलता है? कितना मिलता है? तो 49 तो नहीं मिलता है, 23 नहीं मिलता, 6 नहीं मिलता, 7 जो है ध्वनि के प्रकारों का वर्णन आपके मिलता है। इसमें मिलता है तैतरीय प्रातिसांख्य के अंतर्गत जो है आपका ये उल्लेख मिलता है ना। उपांशु, ध्वान, निमद, उपधिमद, मंद्र, मध्य, तार, ये जो है सब के सब जो है आपके ध्वनि के प्रकारों के वर्णन मिलता है। और वहीं पार्श्व देव की जब बात आती है कि पार्श्व देव ने कितने ध्वनि के वर्णन किया है, तो 3 प्रकार की ध्वनि, सचेतन, अचेतन और उभय प्रभाव, है ना, 3 प्रकार के पार्श्व देव ने बताइए। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तक, धिन, ताकिट, जाति का स्वरूप है संकीर्ण जाति, चतस्त्र जाति, मिश्र जाति या खंड जाति? तक, धिन, ताकिट किस जाति का स्वरूप है? तक, धिन, ताकिट किस जाति का आपके स्वरूप आ जाएगा? संगीत भारती हैं जिन्होंने अभी क्लास को लाइक नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी क्लास को लाइक करें और पड़ोसी के घर के सामने से क्लास को शेयर कर दें। तो देखिए मात्राएं कितनी है इसके अंतर्गत, ये देखना जरूरी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 मात्रा जो है कौन सी जाति के अंतर्गत होती है? मिश्र जाति के अंतर्गत आपकी होती है 7 मात्रा। अब यहाँ पे तक दिन तो चतस्त्र हो जाता, चतस्त्र तक दिन हो जाता, तक दिन त तो अगर होता तो आपके ये यानी कि तक तकिट हो जाता तो आपके हो जाता खंड, ठीक है ना। यानी 5 मात्रा आपके खंड में होती है, 7 मात्रा मिश्र में होती है, 4 मात्रा चतस्त्र में होती है, 9 मात्रा संकीर्ण में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न ये पूछ लेते दक्षिण भारत में ताल की जातियों की संख्या कितनी है? ताल की जातियों की संख्या कितनी है? तो कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएं ताल की जातियां कितनी है। निम्न में से किसका प्रयोग ध्रुपद में किया जाता है? आपके तान बोल, आलाप, उपज या बोलबन? किसका प्रयोग जो है आपके ध्रुपद में किया जाता है? मुख्य देखिए, ओ माय गॉड, 7 जातियां हैं। लता जी कह रही हैं कि 7 जातियां हैं। लता जी जय हो आपकी, क्या बात है ना। यादव जी कह रहे हैं कि 7 जातियां होती है। अरे जय हो आपकी, बड़ा जो है आंसर दिए, तान बोल और जो है आपके आलाप, उपज और बोल बनाओ क्या होगी? देखिए तान आलाप जो है क्या होगा आपके जो है बोल बनाओ नहीं, उपज का जो है प्रयोग जो है आपके ध्रुपद के अंतर्गत प्रयोग में लिया जाता है, ध्रुपद का प्रयोग जो है लिया जाता है। प्रश्न देखिए यहाँ पे निकल कब हुआ, तो 15वीं सदी के अंतर्गत हुआ। ध्रुपद का आविष्कार किसने किया? तो राजा मानसिंह तोमर ने किया। ध्रुपद की वाणियां कितनी है? कि 4 हैं। ध्रुपद के जो है क्या कहते हैं कि आपके कलावंत जो है ध्रुपद के गायक को कहते हैं। ध्रुपद के जो है मुख्य तालों में जैसे कौन सी आएगी? चौताल जो है मुख्य ताल जो है आपकी आती है। ध्रुपद के साथ में क्या बजाया जाता है? तो पखावज जो है आपके मुख्य रूप से बजाया जाता है ना। 3 जो है करेक्ट। ताल के सम का अंत होने पर जब गायन प्रारंभ किया जाए तो उसे कहते हैं अनागत, कहा जाएगा ना। प्रश्न संख्या है 11। 11, ताल के सम का अंत होने पर जब गायन वादन प्रारंभ किया जाए तो उसे कहते हैं
ये हैं सबके सब आपके ग्रह हैं। क्या हैं? सबके सब जो हैं आपके ग्रह हैं। तो कौन सा ग्रह जो इसमें से कहते हैं बताइए। तो इसको देखिए, ऑप्शन संख्या एक अनागत नहीं होगा, विषम नहीं होगा, सम नहीं होगा, अतीत ग्रह आपके होगा। कह रहे हैं कि ताल के सम का अंत होने पर जब, यानी कि निकल जा रहा ना, वो तो अंत होने पर जब गायन वादन का प्रारंभ जब किया जाता है, तब आपके अतीत ग्रह जो हैं उसमें कहलाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या है 12। दक्षिणी सरसांगी राग के समान उत्तरी भारत का राग आपके बैरागी भैरव, कैलावती, नट भैरव, विभास, कौन सा राग होगा इसमें से? प्रश्न है बढ़िया, और इस बढ़िया का जवाब जो है क्या हो जाएगा? मेरी आवाज़ सभी दोस्तों आवाज़ आ रही है तो देखिए तबीयत मेरी ठीक नहीं है, फिर भी मैं क्लास का आयोजन कर रहा हूँ सभी के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये ठीक है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और नहीं लगता है तो आप लाइक मत करिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या जो है इसमें से क्या होगा? ऑप्शन संख्या आपके जो है इसमें तीन जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, नट भैरव। क्या होगा? नट भैरव जो है सही आंसर हो जाएगा, और आपके जो है बैरागी भैरव, ऑप्शन है आपके सामने बैरागी भैरव। तो बैरागी भैरव के लिए क्या होगा? बैरागी भैरव जो है इसके लिए क्या हो जाएगा? बैरागी भैरव के लिए होगा रेवती। रेवती जो है बैरागी भैरव के लिए हो जाएगा, और कलावती है वलजी, वलजी जो है कलावती, और विभास जो है आपके क्या होगा? रेवगुप्ति, रेवगुप्ति। विभास का क्या होता है? रेवगुप्ति जो है विभास का हो जाता है, ये होता है चारों के चारों। नेक्स्ट प्रश्न, किस गायन शैली का संबंध केवाड़ प्रबंध से जाना जाता है? ख्याल, चतुरंग, तिरवट या धमार? किसका संबंध जो है आपके रेवगुप्ति प्रबंध, सॉरी रेवगुप्ति के केवाड़ प्रबंध से जाना जाता है? प्रश्न बड़ा अच्छा है, और अच्छे प्रश्न का जवाब भी अच्छा ही होना चाहिए। तो धमार का नहीं है, चतुरंग का नहीं है, कयाल का नहीं है, तिरवट जो है इसका सही जवाब है। तो तिरवट को अभी अभी प्रश्न आया था, क्या कहते हैं? तो चोलू केट्टू जो है आपके इसको कहा जाता है तिरवट को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। संगीत रत्नाकर में वृंद के कितने भेद हैं? दो हैं, चार हैं, तीन हैं या छह हैं? संगीत रत्नाकर में वृंद के कितने भेद हैं? सीधा सा प्रश्न है, सीधा प्रश्न है तो उसका जवाब भी सीधा ही देना है, आड़ा टेढ़ा नहीं देना है। तो जो देगा सही उसका सही होगा, जो गलत देगा उसका गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए छः नहीं है, दो नहीं है, चार नहीं है, केवल और केवल तीन जो है वृंद के भेद आपको मिलते हैं। कितने मिलते हैं? केवल तीन जो है वृंद के भेद आपको मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा? उत्तम, मध्यम और मध्यम हो गया, और तीसरा कौन सा है उसको कमेंट बॉक्स में आपको छापना पड़ेगा, है ना? तीसरा कौन सा है उसको आपको छापना पड़ेगा। कनिष्ठ होता है या अधम होता है? उत्तम, मध्यम, जो देखिएगा कौन सा होता है। प्रश्न संख्या है 15। पंडित भातखंडे जी के संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डाक टिकट कब जारी हुआ? 1945, 1960, 1961 या 1973? आपके जो हैं भातखंडे जी के लिए जो आपका डाक टिकट जब जारी हुआ वो कब हुआ बताइए। ऑप्शन संख्या एक दो तीन चार देना, एक दो तीन चार में से जो जवाब देगा वो जीता, वो सिकंदर आपके हो जाएगा। जो जीता वही सिकंदर है। तो इस प्रश्न का जवाब जो है 99% जो है लोगों का गलत आ रहा, केवल 1% लोगों ने सही दिया है। तो सही जवाब जो है इसका क्या होगा? 1961 में। किसका पूछा है? बातखंडे जी का। 1961 में जो है बातखंडे जी के लिए जो है डाक टिकट जारी किया गया था, और 1973 में जो है आपके पलुष्कर जी के लिए किया गया था। 1973 में जो है पलुष्कर जी के लिए किया गया था। बजाओ ताली, आप सबके सब क्लीन बोल्ड हो गए, आप सभी के सभी क्लीन बोल्ड हो गए हो। कितना मज़ा आया आपको, प्रश्न ने आपको उलझा के रखा, मुझे हंसी आई, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा। है ना? हाँ, मिस्टेक क्या हो गया, वो पेपर में भी ऐसे ही मिस्टेक होगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ काजल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। सही है तो
दोस्तों आज की क्लास जो है थोड़ी द्रुत गति में चल रही है, द्रुत लय के अंतर्गत चल रही है, तो ये कैसे लग रही है आप सभी को? देखिए आजकल जो है कमेंट जो है थोड़े आते हैं, उन कमेंट्स को देख करके ऐसा लगता है कि वो संगीत का बच्चा नहीं हो सकता, वो मतलब कहीं अपवाद है संगीत के लिए जो इस प्रकार के कमेंट के बोले आप बोलते ज़्यादा हो, आप ये करते हो, आप अरे भाई बोलेंगे नहीं तो मतलब हम क्या चुपचाप ऐसे बोलें कि इस प्रकार हम बोलें? हम नहीं बोलेंगे तो क्लास कैसे होगी? तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम क्यों देखते हो? तुम्हें देखना भी पसंद है, तुम्हें बकवासबाजी भी करना पसंद है, ये कैसे पॉसिबल होगा? आप सब लोग इस बात के बाहर स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, फिर भी मैं आयोजन कर रहा हूँ, दैट्स वाई कि आपका जो है एग्ज़ाम किसी भी तरह से जो है निकल जाए, ठीक है? मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, हैं? ये नहीं पता जी, देवराज जी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो ढोल नगाड़े बज जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना? तो मतलब आप लोगों को भी थोड़ा सा तो ऐसा बनता है कि मतलब आप लोग भी कभी कभी जो है कमेंट्स चेक करें, कभी कभी जो है आपका अगर हृदय कहता है, आपका मन कहता है कि मुझे भी जा करके थोड़ा चेक करना चाहिए, तो कर लिया करो। स्वार्थ की भावना मत रखो अंदर, स्वार्थ की भावना अगर हम रखेंगे तो हम यहाँ क्लास लेने नहीं आएंगे, है ना? हम यहाँ पे क्लास लेने नहीं आएंगे अगर स्वार्थ की भावना हम रखेंगे तो। अब इतना मैं बोल रहा हूँ ना, तो जो मतलब देखता है आप बोलते बहुत ज़्यादा हो, तो आप अपने घर का जो है कि स्कूल खोल लो ना, वहाँ पे आप ही आप बोलोगे, कोई दूसरा बोलेगा ही नहीं। आप इतना यहाँ पे आके कमेंट कर रहे हैं, ये करें, आप अपने घर का स्कूल खोल लीजिए, ठीक है? वहाँ कोई भी नहीं बोलेगा, वहाँ सिर्फ आपको बोलने की आज़ादी होगी। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप भी जो है थोड़ा सा देखा करें। तो 1961 में जो है इनके नाम पर जो है डाक टिकट जारी हुआ था, 10 अगस्त 1860 में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बालकेश्वर। बालकेश्वर कहाँ है? मुंबई के अंतर्गत जो है आपका बालकेश्वर है, ठीक है? मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मेरा प्रभु जानता है अच्छे से कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना? और आप सब लोग भी भली भांति परिचित हैं इन चीज़ों से। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। चित्र पहचान कर आपको नाम बताना है कि ये कौन है, चित्र को पहचाने कि ये, और बताएं कि ये कौन है, कौन से कलाकार के लिए आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है? अब ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। क्या अल्लादिया खान साहब हैं, क्या सवाई गंधर्व जी हैं, क्या अब्दुल करीम खान है, क्या बालकृष्ण बुआ है? इनमें से आपको जवाब देना है कि ये कौन शख्सियत हैं जो पिक्चर देख के आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना? हाँ खैर जरूरी है, आलोचनाएं भी जरूरी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए मैक्सिमम लोगों का जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है आपके, देखिए चार ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ मैं स्क्रीन पे, और इन चार ऑप्शंस को देख करके आप जवाब अपना ठीक कर सकते हो। तो आपके ऑप्शन संख्या 1, 2, 3 या 4 में से आपको जवाब देना है। ये नहीं तो है बालकृष्ण बुआ, और नहीं है अब्दुल करीम खान, और नहीं है आके अल्लादियन खान, सवाई गंधर्व साहब हैं ये, किराना घराने की महान शख्सियत जो हैं आपके, इन्हें पहचाना जाता है। 1886 के आसपास जो है जन्म आपका होता है, 1886 के आसपास। और राम भाऊ कुंदगोलकर, राम भाऊ कुंदगोलकर, कुंदगोलकर ही है ना इनका नाम, राम भाऊ कुंदगोलकर जो है इनका कंप्लीट नाम है। सवाई गांधर्व जी, सवाई गांधर्व समारोह कहाँ होता है? सवाई गंधर्व समारोह जो है वो कहाँ होता है, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए कि सवाई गांधर्व समारोह कहाँ पे होता है। ऑप्शन संख्या 2 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। कैसा लगा ये प्रश्न बताइए, कैसा लगा? चलिए पूना में, बिल्कुल पूना के अंतर्गत तो होता है सवाई गांधर्व महोत्सव जो है, भीमसेन जी की देन है, ठीक है ना? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न के लिए। मीर की तान को पहचानना है आपको, मीर की तान कौन सी है? सारे ग रे ग म रे, या नेजा नेजा सारे सारे, या आपका रे सा ग रे म ग प म, या सा मा ग प मा दा प नी, कौन सी तान है आपकी मीर की तान?
मेड गीतांग को आइडेंटिफाई करते हुए सभी के सभी जारे गरे सारे गरे ग म गरे ग म ब म गरे, ये जो तान है इसको बोलते हैं फिरत, फिरत की तान। और निजा निजा ग निजा निजा जारे जारे रे गा रे गा, ये वाली जो तान है ये गिटकरी होती है, फिटकरी की बहन। और रे जा गा रे म गा ये होती है वक्र। तो इसमें मीड वाली कौन सी है, सा मा गा पा मा दा, ये जो है आपकी मीड की तान कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए। अब यूं प्रश्न आ जाए कि तान का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए कि कहाँ मिलता है तान का सर्वप्रथम उल्लेख। प्रश्न संख्या है राग 18 देवगिरी बिलावल की जाति क्या है, ओडव ओडव संपूर्ण संपूर्ण शाड़व संपूर्ण या ओडव संपूर्ण। देवगिरी बिलावल की जाति जो है आपके क्या हो जाएगी, बड़ा अच्छा प्रश्न है और अच्छे प्रश्न का जवाब भी जो है अच्छे लोग ही देते हैं। तो आप सभी जो है आंसर देते हुए इस प्रश्न का, देवगिरी बिलावल के लिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर देवगिरी बिलावल, ओडव संपूर्ण संपूर्ण शाड़व संपूर्ण या ओडव संपूर्ण। देखिए बिलावल जो है देवगिरी वो बिलावल थाट का ही एक राग है, बिलावल का ही प्रकार है। और इसका देखिए क्या होता है कि वादी सा और संवादी पंचम, वादी सा और संवादी पंचम। यूं कहते हैं कि आपके यमन में अगर शुद्ध म है ना, यमन में अगर शुद्ध म न लगे या लगा दिया जाए तो इस प्रकार यमन के जैसे ही इसको गाते हैं, तो इसमें आरोह में जो है मध्यम को छोड़ दिया जाता है, मध्यम को आरोह में म को छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है, इसलिए शाड़व संपूर्ण इसकी जाति होती है। क्या होती है, शाड़व संपूर्ण। नी रे ग रे नी रे ज नी द नी रे ग, ठीक है, इस प्रकार से इसको गाया जाता है अंत में इसमें। और अवरोह में जो है इसका संपूर्ण होता है स्वरूप। प्रश्न संख्या है 19, मा पा दा मा करे गणे सा तिलंग देश कार मधमा सारंग या देश, कौन सी राग है, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। मा पा दा मा करे गणे सा, आज स्थिति में नहीं है हम छेड़ने के लिए, बिल्कुल बीपीएससी पे ही फोकस है हमारा थोड़ा सा। तिलंग देशकार मदमाद और देश, इसमें से कौन सा हो जाएगी, ये सब देखिए बेसिक प्रश्न है ये। मवद माग रे गनी सा, तो राग देश इसके अंतर्गत बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है रंजीत राजन जी, कहाँ जो है आंसर कर रहे हो। मदमाद में दहवत नहीं लगता है, देशकार में आपके जो है ये आपके देवत लगता है लेकिन नी नहीं लगता है, और तिलंग के अंतर्गत आपके दावत नहीं लगता है। तो आपके ऑप्शन संख्या 4 देश, खमास थाट का राग है, ठीक है, खमास थाट का राग है देश। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 20, धा पा गा मा धा पा रे सा, यानी रे प क्या हो गया इसमें, ग ध द ग दी, ये है राग कौन सा है ये पहचानना। देखिए इसमें ऑप्शंस जो हैं देना भूल गए हैं सर, इसमें ऑप्शंस देना भूल गए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि राग कौन सा है, कौन सा राग आपको लग रहा है। वेरी गुड, शंकरा है या आपका जो है हंस ध्वनि है या आपका जो है हिंडोल है या आपका जो है नंद है, ये चार ऑप्शन इसके लिए मैं दे देता हूँ कि कौन सा राग है, शंकरा हंस ध्वनि हिंडोल या नंद। दा प ग म धा प रे, परे की संगति दोस्त देखिए इसमें किस कौन सी राग में जाएगी, नंद इकलौता ऐसा राग है, एक बार एग्जाम में भी आया ये प्रश्न कि आपके शंकरा नहीं है, परे की संगति शंकरा में कैसे जाएगी, इसलिए जो है इसका जो है प्रश्न का जवाब क्या होगा, नंद होगा। तो ध्यान रखिए कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाता है, तो उनको भी बखूबी रूप से अपन सॉल्व करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रश्न संख्या है 21, कहरवा ताल की दुगुन और चौगुन कितने मात्रा में होगी, 8। कहरवा की दुगुन 4 मात्रा और कहरवा की चौगुन जो है 2 मात्रा, तो 6 मात्रा में आपका क्लियर मामला हो गया, ऑप्शन संख्या 2, 6 मात्रा, इज इट क्लियर।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए कहाँ से शुरू होगा, तो देखिए 8 माइनस 6 आपका 2 बचता है, तो तीसरी मात्रा से यानी कि तीसरी मात्रा से प्रारंभ होगी, ये जो लयकारी बनेगी तीसरी मात्रा से। प्रश्न संख्या 22, ध्रुव ताल की बियाड़ एक आवर्तन में कितनी मात्रा में आएगी, 11.2/4.3/6.2/7 या 3.2/7 कितनी मात्रा में आपके हो जाएगी। रुद्रताल की बियाड़ जो है आपके एक आवर्तन में कितनी मात्रा में आएगी। अच्छा प्रश्न, जवाब बड़ा अच्छा आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। रुद्रताल 11 मात्रा की होती है, 7/4, देखिए 8 चौक 44 में 7 का भाग दीजिए, 7 × 7 = 42 यानी कि 6 बार बच गए कितने आपके 44 है ना, या तो कितने बच गए 42, तो 2/7 6.2/7 इसमें आ जाएगा। ऑप्शन संख्या 6.2/7 जो है आपका आ जाएगा 3। ठीक है, इंडियन आर्मी मिला, वहाँ थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है हमारी, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। चतस्र जाति का ध्रुव ताल मिश्र जाति में गति भेद के अनुसार कितनी मात्रा की ताल होगी, ये प्रश्न देखिए आज जो है हमारे लाइब्रेरी ग्रुप में बड़ा घूम रहा था और ये प्रश्न सभी को परेशान कर रहा था, और ऐसे प्रश्न मैं कई बार सॉल्व करवा चुका हूँ, फिर भी जो है आप लोगों को परेशानी आती है, तो ये प्रश्न फिर से लेकर के आया हूँ। चतस्र जाति ध्रुव ताल यानी कि जाति पहले क्लियर किए कि चतस्र जाति, तो देखिए लघु द्रुत लघु लघु ये जो है स्वरूप किसका होता है, ये होता है आपके ध्रुव ताल का, तो 4 + 2 + 4 + 4 ये तो आपकी होगी चतस्र मात्रा जो है एक सिक्वेंस। अब मिश्र जाति में गति भेद के अनुसार तो × 7 हम करेंगे, मिश्र जाति जब होगी गति भेद आपका जब होता है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको करना पड़ता है, तो देखिए कितना हो गया 14 × 7 6 × 7 = 98 यानी कि 98 मात्रा की ये ताल आपकी हो गई है। ठीक है, अब जाति चतस्तर तो रखनी है एज इट इज रखनी है इसको, इसके बाद ये मिश्र की जगह खंड आ जाए, तो मिश्र की जगह खंड आ जाए तो 14 × 5 कितना हो गया 54 70, ये आपके खंड में होगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कह दिया जाए कि आप जो है चतस्त्र यानी कि मिश्र की जगह चतस्त्र आ जाए, तो 14 × 4 = 54 ये चतस्त्र जाति की ताल हो जाएगी, यानी गति भेद चतस्त्र गति भेद के अनुसार ये आपकी होगी। अब यहाँ पे आपको कह दे कि संकीर्ण में कितनी होगी, तो 14 यानी कि 14 इसलिए लिख रहे हैं कि मात्रा 14 है, इसलिए तो 54 126 मात्रा आपके हो जाएगी। इट इज क्लियर एवरीवन, वेरी इजी प्रश्न है, और इस प्रश्न में बोले कि मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे क्या है क्या नहीं है, मतलब काफी। अब आपको देखिए चतस्त्र जाति अगर नहीं दिया हुआ है और कह ताल मिश्र जाति गति भेद के अनुसार, मिश्र में गति भेद के अनुसार पूछ ले डायरेक्ट, तो आपको क्या मानना है चतस्त्र जाति की ताल मान लेना है, चतस्त्र मान करके उसका आंसर निकाल लेना, आपको उसमें टेंशन नहीं लेना अगर ताल नहीं दी हुई है तो पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया, इसमें 5 प्रश्न बनते हैं, और त्रिस्तर की बोलते तो 14 × 3 = 42 कितना होगा 14 × 2 = 28 + 34 = 42 मात्रा की जो है त्रिस्तर में आपके जो है मात्रा हो जाएगी। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया प्रश्न, ये प्रश्न जो है आपको समझ में आया या नहीं आया, जिस प्रश्न का जवाब है 98 बताइए, इसका ये जवाब जो समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बताओ। नहीं आया उनको तो देखिए फिर मैं घोल के तो नहीं पिला सकता, बस ध्यान से देखने की जरूरत होती है, या मैथमेटिक्स की जहाँ काम होता तो मैथमेटिक्स कहता कि आप मुझे मोहब्बत करो मैं आ जाऊंगी, है ना। और एक बार रिपीट करिए, यानी कि चतस्त्र जाति का, तो चतस्त्र तो जाति जो सिंपल होता है वो चतस्त्र का होता है, ये स्वरूप है 4, ये द्रुत जो है 2 मात्रा लघु 4 + 4, तो ये तो है आपका क्या है सिंपल जो है जाति वाला चतस्त्र जाति में लिख दिया। अब जो मिश्र जाति गति भेद बनाना है तो × 7, तो मिश्र में कितनी मात्रा होती है 7, तो 14 मात्रा यानी 4 × 2 = 6 = 4 + 10 = 14 = 98 मात्रा, तो ये आपका जवाब आ गया है। ठीक है, आज जो है मॉर्निंग में ही ये क्लास में सिखाया गया है, आज मॉर्निंग की किसी न किसी क्लास में ये टॉपिक मैंने करवाया है। ठीक है ना, ठीक है, ये गति भेद के अनुसार ही तो हुआ है, और कैसे हुआ है देखिए, जाति भेद के अनुसार जो है आपके सप्तसुलादी ताल के अनुसार 7 × 5 कितनी ताल बनती है 35, अनुसार कितनी होती है आपके 175 ताले बनती है, ध्यान रखना।
24. पाश्चात्य संगीत की त्रिमूर्ति आपके किसे कहा जाता है? विवाल्डी मोजार्ट बाग, या विवाल्डी बीथोवेन वागनर, वागनर विवाल्डी बीथोवेन, या बीथोवेन मोजार्ट बाग, किसे कहते हैं? पाश्चात्य संगीत की तीन मूर्ति किसे कहते हैं? त्रिमूर्ति ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक, ट्रिनिटी, किसे कहते हैं? तो लगभग जो है लोगों का जो है बिल्कुल ठीक आ रहा है, और एकदम, यानी कि पाश्चात्य संगीत की त्रिमूर्ति जो है बीत को आपके कहा जाता है। 2015 यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा गया था, यूजीसी नेट में 2015 के पेपर में ये पूछा गया था, प्रमाण के साथ बता रहा हूँ मैं। तो ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों देखिए, फटाफट अंदाज में आज का क्लास हमने किया है, और बिल्कुल जो है सटीक तरीके से किया है। और जो अब प्रश्न आने वाला है वो 101% मैं कह सकता हूँ कि उसमें 90 या 91% बच्चों का आंसर गलत होगा अपकमिंग प्रश्न के लिए। अभी का क्लास कैसा लगा? संगीत से आप प्यार करते हैं, संगीत के विद्यार्थी हैं तो ही लाइक करें, अदरवाइज लाइक नहीं करें। जो बोलते हैं कि आप ज़्यादा बोलते हैं, आप कम बोलते हैं, भाई तेरे को कम बोलने वाले पसंद हैं, वहाँ आप जाके देखिए, जिसको ज़्यादा बोलने वाले पसंद है, ज़्यादा सुनना पसंद है, यहाँ पे रुक जाए, ठीक है ना? हमारा सीधा, आप सभी जो हैं इस क्लास के साथ में आते हैं, 9:40 पे ये क्लास शुरू होती है, ठीक है? लिखा हुआ है टाइमिंग, इसके ग्रुप वगैरह सब जुड़े हुए हैं, उसमें आप जाएंगे तो आपको सब जो है मेंशन मिल जाएगा, ठीक है? और क्लास का जो है व्हाट्सएप ग्रुप या जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दे दिया करें, जिससे कि हमारे टीम को भी थोड़ा मज़ा आ जाए। पूजा किरण जी, आपका अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप इस पे मुझे सेंड करिएगा, तो मैं उस पे वर्क करके आपको जो डेफिनेटली मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी अगर आपकी दिक्कत होगी, फाइनली मैं आपके सभी के बीच में उसको लेकर के आऊँगा, ठीक है? ऐसा कोई प्रश्न है तो ज़रूर आप मुझे भेजिए, ठीक है? शुक्रिया आप सभी का। लास्ट प्रश्न आज का आ रहा है, आप सभी हो जाइए तैयार। कल्प तरु के कौन है? कृष्णानंद व्यास, अशोक भल्ल, प्रमोद आनंद सरस्वती, महाराणा कुंभा, कौन है? संगीत कल्प तरु के लेखक जो हैं वो कौन है? कृष्णानंद व्यास, अशोक भल्ल, या प्रमोद आनंद सरस्वती, या जो है महाराणा कुंभा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? संगीत कल्प तरु के लेखक कौन है? मतलब सोचा था कि सबको क्लीन बोल्ड करूंगा, लेकिन ये तो सब जो है छक्का उड़ा दिया, सभी ने इस छक्का उड़ा दिया। अब कैसे जो है, कौन सी गेंद डालें जिससे कि, अब मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सी गेंद में लेके आऊं जिससे कि क्लीन बोल्ड आपको किया जा सके, ठीक है? तोता उड़ गए हैं यहाँ पे सभी के, और जिन्होंने ऑप्शन संख्या 1 100% गलत हो गया है, और जिन्होंने 4 दिया है आपका भी गलत हो गया है। अब कौन सा ऑप्शन दोगे? सभी के सभी क्लीन बोल्ड हो गए। यूट्यूब इतिहास का जो है ये जो है आज का प्रश्न जो है स्टार क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, ठीक है? सभी के सभी क्लीन बोल्ड हो गए। और तैयारी कीजिए फिर क्वेश्चन लाइए। अरे इंडियन आर्मी जी, अगर इसका आप जवाब दे देते ना तो आपको 1100 रुपये इनाम में देता, लेकिन क्या तैयारी करूं, आप थोड़ा और पढ़िए बेटा जी, जब जाके पता चलेगा कि हम जो हैं इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या इस लेवल का नहीं है। क्लीन बोल्ड चैलेंज दे के किया है मैंने, ठीक है ना? तो ये जो है अशोक भल्ल जो हैं इसके करेक्ट आंसर हैं, ठीक है? मैं क्या कहे कि ठीक है, मैं तो आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ आ जाता हूँ, मुझे ईश्वर जो है मेहरबान है, ईश्वर का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, ठीक है? अशोक भल्ल जो हैं इसके करेक्ट आंसर हैं। देखिए, जब जयपुर पोथी खाना में जो लोग विद्वान लोग जो थे, ठीक है ना,
सिर्फ 200% को जवाब देने के बाद में तो सिर्फ 200% होगा ही होगा बालकृष्ण यादव जी। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या दो जो है अशोक भल्ल, इसके जो हैं करेक्ट आंसर हैं राग कल्प दुरुम। पूछता आपसे राग कल्प दुरुम, तो वो जो है आपका क्या होता, कृष्णानंद व्यास जो है वो आता राग कल्प दुरुम। और प्रमोद आनंद सरस्वती, इनका भी एक ग्रंथ है संगीत माधवम। कौन सा है? संगीत माधवम, संगीत माधवम। ठीक है, संगीत माधवम जो है, और महाराणा कुंभा का तो सभी जानते हो, संगीत राज। संगीत राज, आप देखिए विद्वान लोग हैं, मैं आपको कहाँ क्लीन बोल्ड कर सकता हूँ, आप ही तो हमको कर सकते हैं क्लीन बोल्ड, हम कर सकते हैं। ठीक है ना गुरु, आजकल का ट्रेड क्या बन गया है, गुरु जी आप मेहनत करो, हम काहे को मेहनत करें हैं? नहीं, सबका गलत आया है, किसी का भी सही नहीं आया है। बाद में मेरे आंसर देने के बाद में जो है ये लगभग ठीक किया है सभी ने, और जो है आपका गलत हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न जो हैं ऐसे आने बाकी हैं, संगीत सागर हैं, इसमें कोई जो है ऐसा नहीं है कि जो है बिल्कुल बहुत तानसेन आज जमाने में बन जाता है। तानसेन कोई भी नहीं बन, तानसेन तो बन गए, हो गए तानसेन जी। ठीक है ना, अब तानसेन जी कहाँ है, अब कहाँ है तानसेन जी, वो नाम रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, आरती मैडम का सही है, आरती मैडम का सही हो गया, वही अशोक भल्ल जी का करेक्ट आंसर आरती मैडम ने दिया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारे साथ ही इसमें आंसर आपने कर दिया है, तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह जो हैं समय के साथ जो है ना, कृपा ईश्वर की बनी रहे। ठीक है, 1 किलो काजू कतली जो है आपकी तरफ से। पाश्चात्य संगीत, हाँ बिल्कुल पाश्चात्य संगीत से भी लेके आएंगे डेफिनेटली। ठीक है ना, देखिए संगीत का मैं एक आपको बता देता हूँ कि संगीत एक सागर है, उस समुद्र के अंदर से एक बाल्टी पानी, और उस एक बाल्टी पानी में से भी एक तिनका अगर पानी की एक बूंद अगर बाहर निकाल दिया जाए, उतना सा भी संगीत हमें नहीं आता है, उतना सा भी संगीत हमें नहीं आता है। और ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब जो है कभी कोई ये कहते कि मैं हूँ, अरे भाई संगीत में तो कोई था ही नहीं, कोई मैं तो चलती नहीं किसी के उसकी, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना दिया है कि मैं बस सीख रहा हूँ और आगे जो है सीखने का प्रयास करूँगा, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस वो सफल हो जाए। अब गूगल तो पता नहीं क्या क्या रखता है क्या क्या नहीं रखता है, मैं कहाँ से लाऊँ गूगल को, है ना, गूगल को कहाँ से लाऊँ। ठीक है, सुबह 5 बजे से लग जाते हैं, तो जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में डायरेक्टली उनको पता है कि क्या हमारी जो है शेड्यूल है क्या नहीं है। यहाँ कहना और काजना आसान है, लेकिन हकीकत लाइफ में जब आकर के आदमी करता है ना तो उसको पता चलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को क्लास अच्छी लगी है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे आप अपने सभी फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा।